पत्रकारों के सम्मान के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सदर तत्पर। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के खीरी थाना अंतर्गत हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में पत्रकारों की एक अहम बैठक जिला अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद केसरवानी के नेतृत्व में की गई, जिसमें प्रमुख रूप से पत्रकारों के अधिकारियों उनके उत्पीड़न के बारे में चर्चा हुआ। और जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि पूरे प्रयागराज में ही नहीं, अगर प्रदेश में कहीं पत्रकारों का उत्पीड़न होगा तो उनके साथ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का परिवार खड़ा मिलेगा और मुश्किलों का सामना डटकर किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से दिगंबर त्रिपाठी, दिवाकर मिश्रा, राहुल श्रीवास्तव, प्रमोद बाबू झा, कार्तिकेय जायसवाल, कृष्ण कुमार, संदीप कुमार इत्यादि पत्रकार उपस्थित रहे। देखिए खीरी से संदीप कुमार चौरसिया की यह रिपोर्ट। अंधे तरीके से हो, जिसकी ख्याति प्रदेश में कायदे से हो, दिव्य व्यवस्था और आज सदस्यता शुल्क जमा किया गया, सभी लोगों का फार्म जमा हुआ, बीमा का फार्म भरा गया, सबने सदस्यता शुल्क जमा की और जनपद की इस बैठक में इतनी संख्या कभी उपस्थिति नहीं इतनी आज है। जब ये पत्रकार उत्पीड़न का मामला आया, राजेश सोनकर जी का पत्रकार का उत्पीड़न जो है वो भी हमने तहसील अध्यक्ष और विक्रू सिंह से कई लोगों से हमने कह दिया है, FIR कॉपी ले लेंगे। कल हम लोग 5-7 लोग SSP से मुलाकात करेंगे और उस फर्जी मुकदमे को उस पर अगली बैठक जनपद की इसी प्रांगण में हिंदी साहित्य सम्मेलन संडे को, अगले संडे रविवार को 11 बजे से होगी और उसके पहले ही मुकदमा राजेश सोनकर जी का और आज की बैठक में किस तहसील में किस दिनांक मीटिंग होगी, बैठक होगी और तहसील अध्यक्ष का चुनाव या चयनित किए जाएंगे या मनोनयन सर्वसम्मति से वह तिथि निर्धारित की गई है। उन्हीं तिथियों पर तहसीलों में भी जनपद के पदाधिकारी हम स्वयं भी जाएंगे।